हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि पटेल। टुडे बैक विथ अनदर न्यू टॉपिक। ऑल्सो टुडे टॉपिक इज रिविजन डूएज डिरेक्टेड। फर्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो फर्स्ट सेंटेंस आई राइट। ओके, इसमें कितने डिग्री है? 3 डिग्री है। थ्री टाइप ऑफ। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपेरेटिव, थर्ड वन सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री की फॉर्मेट है कौन सी? एज एज एज। ओके, नेगेटिव बोलो एज सो और वेरी फ्यू डॉट 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 एज एज। और एक है नो ऑर्डर सो एज। तो ये चार फॉर्मेट है एज एज सो एज नो ऑर्डर सो एज वेरी फ्यू एज एज। चार टाइप ऑफ पॉजिटिव डिग्री में 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही कॉम्पेरेटिव डिग्री में 2 टाइप के सेंटेंस ई आर डेन। ओके, डेन ए एन वाला डेन। और दूसरा है मोर देन। तो इसके अंदर जो एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज होते हैं, एडजेक्टिव और सॉरी एडवर्ब। ओके, तो जो ये ब्लैंक्स डॉट डॉट दिखाई जाती है वहाँ एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज होते हैं उसके साथ। और सुपरलेटिव डिग्री में भी 2 फॉर्मेट है। ओके, दो एडवर्ब के साथ ईएसटी लगता है या फिर एडवर्ब के आगे द मोस्ट लगता है उसके बाद एडवर्ब। मोस्ट और मोर कब लगता है? तो जो एडजेक्टिव है उसका जो पार्ट है वो थोड़ा लंबा हो, बोलने में 2 से 3 पार्ट होते हैं तब। ओके, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल ले लो, तो ये ब्यूटीफुल हो 3 पार्ट में बोला जाता है। तो उसके आगे कौन सा लगेगा? मोर ब्यूटीफुल देन यूज होगा या फिर ये कंपैरेटिव के लिए। और सुपरलेटिव के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो इतना चेंज होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आज चेंज सेंटेंस में सी रन फास्टर देन आई। सी रन फास्टर देन आई। ओके, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? फास्टर देन है। तो ई आर देन हमें कौन सा मिलता है? कंपेरेटिव। ये कौन सा सेंटेंस है? कंपेरेटिव। कंपेरेटिव को हमें कौन किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हम पॉजिटिव आई जो है आगे लेके आएंगे। आई डू नॉट रन सो फास्ट एस सी। ओके, डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने कौन सा इस फॉर्मेट यूज किया? सो एज। ओके, नेक्स्ट एक सेंटेंस देखते हैं इसमें। दर्शन वॉच द प्रोग्राम। द मोस्ट ईगरली। द मोस्ट किसके लिए यूज होता है? सुपरलेटिव में। तो ये कौन सा सेंटेंस है? सुपरलेटिव सेंटेंस। सुपरलेटिव में हमें उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। ओके, तो हम इसे नो ऑर्डर से चेंज करते हैं। नो ऑर्डर चाइल्ड। ओके, दर्शन के लिए इसको ना नो ऑर्डर चाइल्ड। नो ऑर्डर नेगेटिव बना है। नो ऑर्डर चाइल्ड वॉच द प्रोग्राम सो ईगरली एस। ओके, सो ईगरली एस इज हुआ वॉच, यहाँ वॉब इज हुआ है। सो ईगरली एज दर्शन।
उसको ही हम दूसरे सेंस, ये सुपरलेटिव हुआ, ये पॉजिटिव वर्ड हम इसे कॉम्पेरेटिव में चेंज करते हैं। ओके, दर्शन वॉच, दर्शन वॉच द प्रोग्राम, दर्शन वॉच द प्रोग्राम। मोस्ट की जगह हमें क्या यूज करना है, मोर, मोर ईगरली धैन, मोर ईगरली धैन, टी एच एन धैन। ओके, मोर ईगरली देन एनी अदर चाइल्ड, एनी अदर चाइल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वेरी फ्यू सिंगर्स सिंग एज स्किलफुल एज, वेरी फ्यू सिंगर्स सिंग एज स्किलफुल, स्किलफुली एज अरिजीत, अरिजीत एज एज लिखा है। ओके, वेरी फ्यू ज़्यादा, कौन से सेंटेंस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम कन्वर्ट करते हैं कंपेरेटिव में। ओके, अरिजीत, अरिजीत सिंग्स, ओके सिंग लिखा है, सिंपल प्रेजेंट है तो हमें सिंग्स लिखना है, अरिजीत थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अरिजीत सिंग्स मोर स्किलफुली देन मैनी अदर सिंगर, मैनी अदर सिंगर्स। ओके, हो गया, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमूव टू और यूज टू, टू रिमूव भी करना है और यूज टू भी करना है। ओके, तो वो सेंटेंस हम देखते हैं, एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा उसका, मिस्टर पटेल इज टू फैट टू एंटर द डोर। ओके, टू, यहाँ में टू क्या करना है, बाहर निकालना है। अब जब टू रिमूव करो तो आपको क्या यूज करना है, सो डॉट डॉट डैट यूज करना है। क्या यूज करना है, सो डॉट डॉट डैट। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं मिस्टर पटेल इज सो फैट डैट, यूज हो गया सो डैट, यहाँ सो डैट, मिस्टर पटेल इज सो फैट डैट। मिस्टर पटेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही कैन नॉट, ही कांट अफोर्ड, सॉरी ही कैन नॉट यूज कर सकते हो या ही कांट यूज कर सकते हो। ओके, दो में से एक, ही कैन नॉट या ही कांट एंटर द डोर, हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट ऐसा ही लिखते हैं, ही इज टू स्लो, इज टू स्लो टू फिनिश द आंसर पेपर अर्ली। ओके, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, रिमूव टू करना है, तो फिर से हम सोचे थे इसको, ही इज सो स्लो डैट ही कैन नॉट या फिर ही विल नॉट, इसके ही विल नॉट थोड़ा ही वॉन्ट फिनिश द आंसर पेपर अर्ली। नेक्स्ट है, सोहिनी वॉज टू बिजी टू मीट मी। ओके, ये सारे हमने दो सेंटेंस किए, वो कौन से थे, प्रेजेंट टेंस के थे, इसलिए हमने कैन या विल यूज किया।
ओके, ये जो पास्ट टेंस के तो उसका हमें कैन और विल का हमें पास्ट फॉर्म यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ भी टू रिमूव करना है हमें, तो सो डेट इज सोहिनी वॉज सो बिजी डैट सी कुड नॉट, कैन का क्या होगा कुड नॉट या कुडंट। ओके, कुड नॉट या फिर कुडंट यूज करना, कुडंट मीट मी। ऐसे ही हमें यूज करना है दूसरा, फर्स्ट टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट, टी सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ड्रिंक इट। ओके, यहाँ सो डेट यूज हुआ है तो हमें यूज टू करना है। ओके, तो सो डेट को हमें क्या करना है रिमूव करना है, सो डेट को रिमूव करना है, टू यूज करना है। ओके, तो टी इज टू हॉट टू, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टू ड्रिंक ऐसा भी लिख सकते हो। और दूसरा आपको लिखना है तो टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक इट। ओके, ड्रिंक इट, ड्रिंक इट फॉर मी, यहाँ भी आप लास्ट में भी फॉर मी यूज कर देगा तो चलेगा। दो सेंटेंस, दो टाइप के आप सेंटेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट यूज करना है The box is so heavy that I cannot lift it. This box is so heavy that okay, लिख नहीं पाया फिर से बोल देता हूँ। Tea is so hot that I cannot drink it. तो so that जो है वो आपको remove करना है, means use to करना है, तो आपको यहाँ यूज़ करना है। यहाँ तक हम रिमूव टू कर रहे थे और यूज सो डेट कर रहे थे, यहाँ यूज टू करना है तो रिमूव सो डेट निकालना है। ओके, सेमी सेंटेंस है थोड़ा आगे पीछे, इसमें जो आंसर है वो यहाँ क्वेश्चन होगा, यहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ आंसर होगा, इतना ही है। ओके, तो हम यहाँ दो टाइप के लग सके, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट फॉर मी। ओके, हो गया इतना। अब वैसे भी लिख सकते टू, टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक इट, सेमी सेंटेंस है। फॉर मी लास्ट में लिखो या बीच में लिख दो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर सो डेट रिमूव करना है, उसकी जगह टू यूज़ करना है, टी डबल ओ टू। ओके, वैसे ही सेंटेंस है यहाँ, दिस बॉक्स इज सो हैवी डैट डैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, आई कैन नॉट लिफ्ट एल आई एफ टी लिफ्ट इट। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है यूज टू, तो सो डैट हमें रिमूव करना है। This box is too heavy to lift. Okay, हो गया। Next topic देखते हैं।